हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एसिडिक पानी पीने के क्या नुकसान है और अल्कलाइन पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, अल्कलाइन पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, वो वीडियो भी आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में जो है आपको उस वीडियो से कुछ हटके सीखने को मिलेगा, किस प्रोसेस के थ्रू पानी जो है हमारे घर पे पहुंचता है, क्या क्या इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो जाती है और किस प्रोसेस के थ्रू उसको उस पानी को जो है साफ़ करके हमारे तक जो है पहुंचाया जाता है। वाटर सप्लाई वाले जो है उस पानी को किस तरीके से साफ़ करते हैं, ओआरपी लेवल क्या होता है, एसिडिक पानी के क्या नुकसान हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और हाँ, जितने भी नए दर्शक इस वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है एक वीडियो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेके आता रहता हूँ आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पानी जिंदगी का तत्व है। आपके शरीर का 70% हिस्सा उसी पानी से बना होता है और उसे ठीक से मेंटेन करना चाहिए ताकि आप हमेशा हाइड्रेट रहें। काफी पानी पीना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। सिर्फ हाइड्रेट रहने के लिए नहीं, बल्कि टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए भी। लेकिन हर पानी एक समान नहीं बना होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पानी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, फार्मास्यूटिकल्स, रेसिड्यूज और हमारी इंडस्ट्रियलाइज जिंदगी के दूसरे बाय प्रोडक्ट से भरा होता है। जो पानी हम पीते हैं पाइप्स में से ट्रेवल करता है, फिर फिल्ट्रेशन डिवाइस से गुजरता है और दूसरे कई अलग अलग सिस्टम से भी गुजरता है जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करता है। हमारे टैप के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन से हमारे पानी में सिर्फ कुछ ही नुकसान देने वाले इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उस पानी को काफी समय तक पीना हमारे लिए उतना ही बुरा है जितना कि वो गंदगी खुद है। तो असलियत ये है कि जिस पानी पर हम हाइड्रेट होने के लिए और अपने शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए डिपेंड करते हैं, शायद वही पानी टॉक्सिन्स बढ़ा रहा है और बॉटल में मिलने वाला पानी भी उससे बेहतर नहीं है। इनफैक्ट कई स्टडीज के मुताबिक इस पानी में टैप के पानी से ज्यादा गंदगी होती है। उनके प्लास्टिक कंटेनर्स में डायोक्सिन्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। पानी का एक नेचुरल पीएच होता है। म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस और एनवायरमेंटल प्रेशर उसकी एसिडिटी बढ़ाते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं जब हम वो पानी पीते हैं। अब इसके साथ ये भी जान लीजिए कि अमेरिकन्स पानी से दुगना सोडा पीते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जिसे हम सबस्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो पहले से मौजूद हाई एसिड लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसे एसिडोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। सदियों से जापानीज डिस्टिल्ड वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट किए हुए पानी को डेड वाटर बुलाते आए हैं। डेड वाटर में सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जब पानी एसिडिक होता है उसमें शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन को कम करने का बहुत कम पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जिनसे सेल्स, ऑर्गन्स और डीएनए डैमेज होते हैं। फ्री रेडिकल्स कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ माने जाते हैं और साथ में ही एजिंग प्रोसेस के भी। 80% से भी ज्यादा बीमारियां सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपती हैं। इसलिए ये जाहिर बात है कि शरीर को उसके अल्कलाइन स्टेट में लौटा देने से हम अपने आप को फिर से तंदुरुस्त बना सकते हैं। और ऐसा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऐसा पानी पीना जो कि रिस्ट्रक्चर्ड हो और जो डेड वाटर को अल्कलाइन लिविंग वाटर में बदल देता हो। साफ साफ कहे तो एसिडिक पानी में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, जिसका नतीजा है एक पॉजिटिव चार्ज। आयनाइजेशन के नाम के एक प्रोसेस के जरिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो रिवर्स कर देता है उसकी अल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए, जिससे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ओआरपी उसके चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सब्सटेंसेस जिनके चार्ज पॉजिटिव होते हैं वो एसिडिक होते हैं और ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस वाले सब्सटेंसेस अल्कलाइन होते हैं। और चार्ज जितना जीरो के नीचे जाएगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से सेलुलर लेवल पर फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत मिलती है। चलिए कुछ आम सब्सटेंसेस की ओआरपी वैल्यूज पर एक नजर डालते हैं। कुछ पानी और सोडा एसिडिक पॉइंट के या ओआरपी स्केल के हाई एंड पर होते हैं। जैसे आप इस स्केल के नीचे उतरेंगे आप देखेंगे कि ओआरपी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसमें लिविंग वाटर सबसे लो होता है। पैटेंटेड टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया यह हाइड्रोजन रिच अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
जिसकी प्रॉपर्टीज हिमालय के हैंजा पानी की जैसी होती है, एक रीजन जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ का पानी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो जाहिर बात है कि वो ग्लेशियल स्ट्रीम्स जो हैंजा के लोगों को पानी सप्लाई करती हैं, उनमें हाई अल्कलाइन पीएच लेवल होता है और नेगेटिव ओआरपी। लिविंग वाटर के हर पानी की बूंद जो आप पीते हैं उसे फाउंटेन ऑफ यूथ में बदल देता है।